हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें या बेस्ट आंसर कैसे लिखें। अब दोस्तों, बेस्ट आंसर की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन किस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए ताकि वो बेस्ट हो सकता है, ताकि उसमें आपके नंबर एक्सीलेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक सी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि, और एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा कि कैसे आप एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसको किस तरीके से आप बहुत अच्छी और आसान वे में शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर लेखन के लिए सबसे पहले आपको कई चीज़ें पता होनी चाहिए कि उत्तर लेखन में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों पे आपको फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तर लेखन में आपको पता है सबसे पहला पार्ट यह है, फर्स्ट जो अगर हम देखें तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के कई पार्ट होते हैं और उसके कुछ लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट होती है, जिसकी वजह से हम अगर यदि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उसके किसी भी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, तो सबसे पहले करो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको समझो और उसके बाद उसको क्या करो, क्लासीफाई, उसको बांटो। जैसे अगर मान ले कोई क्वेश्चन जिसने पूछा है आपका आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है ना, तो आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है कि आपको परीक्षण करना है लेकिन उसकी अच्छाइयां भी दिखानी है और उसके साथ उसकी आलोचना भी करनी है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन में आप आलोचना करते हैं तो उस क्वेश्चन में आपसे पूछे या नहीं पूछे, आपको हमेशा सुझाव ज़रूर देने हैं, क्योंकि आलोचना का मतलब ये नहीं कि आपने किसी की कमी बता दी। आलोचना का मतलब है कि आप किसी की तार्किक कमियाँ बता दो। आलोचना कैसी होनी चाहिए आपकी? आलोचना आपकी क्या होनी चाहिए? तार्किक आलोचना होनी चाहिए। और यदि आपने कोई तार्किक आलोचना बताई है तो फिर उसके आप क्या बताओ, सुझाव बताओ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, उसका किस तरीके से आपको जवाब देना है। तो अगर कोई आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है तो उसको किस तरीके से आपको बताना है। या कई बार क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि टिप्पणी करवा दे डॉक्टर, टिप्पणी करो, कमेंट करो। तो जो टॉपिक में क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाए कि आपको कमेंट करना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट का मतलब है कि आप ओपन हो उस क्वेश्चन को, आप पक्ष विपक्ष अच्छा बुरा दोनों लिख सकते हैं, लेकिन सेमेंटिक बेस्ट आंसर ये होता है कि उसमें आपकी उसकी अच्छाइयाँ बताओ जिनका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, अच्छाइयाँ ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी कमियाँ है वो थोड़ी तुलनात्मक नेगेटिव फैक्ट है वो कम होना चाहिए, और जो आपने नेगेटिव फैक्ट दिए उनके सुधार, और सुधार की क्या दो, सुझाव। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसको बांटना है। कई बार क्या होता है कि अरे सर कैसे अच्छा आंसर लिखे, कैसे अच्छा आंसर लिखे, पहली कड़ी है आपकी कि अच्छा आंसर तभी लिख पाएंगे तब आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड ये होता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि हर आंसर हर क्वेश्चन का एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आप हिस्ट्री का आंसर भी ऐसे लिखो, आप पॉलिटिक का आंसर भी ऐसे लिखो, आप ज्योग्राफी का आंसर भी लिखो। हाँ, ये जरूर है कि हर क्वेश्चन का हर आंसर का एक प्रारूप होता है, और प्रारूप ये होता है अगर क्वेश्चन के प्रारूप को हम देखें, पार्ट देखें, अगर क्वेश्चन के पार्ट देखें आंसर के, तो आंसर के तीन पार्ट सामान्यतः होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है उसकी मेन बॉडी, और तीसरा होता है आपका निष्कर्ष। नॉर्मली एक पैराग्राफ हम इसमें रखते हैं, एक पैराग्राफ हम इसमें रखते हैं, और दो से तीन पैराग्राफ हम इसमें रखते हैं। ये शब्द सीमा पर डिपेंड करते हैं। अब यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है 150 का, तो उसमें आप स्टार्टिंग को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं या एक लाइन का लिख सकते हैं। मोस्टली आपका 10 से 15 वर्ड का होना चाहिए। अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 10 से 15 या 20 वर्ड का आपका क्या होना चाहिए,
उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्टार्टिंग बड़ी अच्छी नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको मेन बॉडी में प्रेजेंट करनी होती है। तो इसलिए कोशिश करो कि जो आपके पास किसी क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन आया है और उसके आंसर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में आप सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन को वहाँ लिखो, ठीक है ना। अब यदि यही क्वेश्चन मान लो 250 शब्द का आ जाए, 250 वर्डों का, तो इसमें थोड़ी सी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप 30 वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ आप ये 30 या 30 से 50 कर सकते हैं, या यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 150 कर सकते हैं, यहाँ 50 कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मेन बॉडी में 150 या 150 शब्द कर सकते हैं, इंट्रो में आप 30 से 50 कर सकते हैं, और निष्कर्ष में आप 30 से 50 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि क्वेश्चन 150 वर्ड का है, कोई क्वेश्चन जिसने आपको 150 वर्ड पूछा है, तो आप उस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिख सकते हो, बिंदुवार, ठीक है ना, बिंदुवार उसको लिख सकते हो, जिसको आप स्टार से भी कर सकते हो, नंबरिंग से भी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, एक तो ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन 250 नंबर का है, 250 वर्ड्स का है, तो 250 शब्दों के क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम आपको हमेशा, यदि आपको कोई उत्तर 250 शब्दों में लिखना है, तो दोस्तों उसमें आपको हमेशा हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि और हेडिंग सब हेडिंग का मतलब है कि आपको उसके कीवर्ड है उनको हेडिंग के रूप में दे देना चाहिए। कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, एक कीवर्ड में एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक कीवर्ड है, जैसे सामाजिक सहभागिता, ऐसे शब्दों का आप क्या बनाओ, कीवर्ड हेडिंग या सब हेडिंग जरूर बनाओ। हेडिंग और सब हेडिंग जरूर आपको, अगर 250 वर्ड्स का कोई आपसे उत्तर पूछा है, तो उसमें दोस्तों हेडिंग या सब हेडिंग आपके उसमें जरूर होनी चाहिए। अब आता है कि आपको अच्छे क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लिखना है, तो यदि आपको कोशिश हो सके तो उसमें एक तो आप चार्ट या डायग्राम या पाई का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनको यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका रिलेवेंट हो, यानी जब इनकी ज़रूरत हो वहीं यूज करें। कई बार हम क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको चार्ट पाई डायग्राम यूज करना चाहिए, अगर वो उस क्वेश्चन में पूछे नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसमें उनको यूज कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए दोस्तों चार्ट पाई डायग्राम मैप, इन चीज़ों का यूज आप तभी करें जब आपको उसकी ज़रूरत हो, तब आपको लगता है क्वेश्चन में ये सेट हो सकते हैं, तभी इनका प्रयोग करें, अन्यथा इनसे बचें, ठीक है ना। इनका प्रयोग करना अच्छी बात है, इनसे आपके अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इनको किस समय आपको यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पाई का यूज क्या करना है, पाई का यूज अगर आपको करना है, जैसे पाई ये मतलब पूरा ये डायग्राम टाइप में, तो अगर आपको कोई चीज़ का अनुपात दिखाना है 100% पे, ठीक है ना, तो आप दिखा सकते हैं 50% हमारा, जैसे मान लो आपको GDP के बारे में बताना है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इसमें एक बना दिया, इसमें GDP में बता सकते हो कि अगर 17% है ये एग्रीकल्चर हो गया, अगर बात करें ये लगभग 56% है सर्विस हो गया, 27% के समथिंग ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इस तरीके से आप चित्र में दिखा सकते हो। या आप बताएं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत मतलब संसद में मुख्य रूप से देखा जाए तो जो अपराधी प्रवृत्ति के जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसको दिखाना है आपको कैसे, जैसे आप एक ऐसे कर देंगे, फिर इसके बाद ऐसे कर देंगे, फिर इसके बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, टेबल के दिखा देंगे, सॉरी इसमें टेबल दिखा देंगे, इसमें आप दिखा देंगे कि 14वीं लोकसभा में इतने थे, 15वीं लोकसभा में इतने हैं, 16वीं में इतने हैं। जैसे मान लें इसमें अगर मैं बताऊँ तो यहाँ लगभग 23, फिर 29 और फिर 43, ये इनका परसेंटेज है, ADR की रिपोर्ट ने ये बात बोली है, ऐसे देख सकते हैं ADR की रिपोर्ट ने, जो ADR की रिपोर्ट है जो मुख्य रूप से भारत में ये रिपोर्ट जारी होती है कि जो उम्मीदवार जिन पे कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का कोई केस पेंडिंग है और वो लोकसभा में भागीदारी बढ़ी है, तो उनको इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से जो राजनीतिक अपराधी प्रवृत्ति की जो राजनेता है उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो आप उसमें। हाँ, वहाँ ऐसे टेबल यूज कर सकते हो, वहाँ आप ऐसे टेबल यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसको छोटा सा यूज करना, ऐसा नहीं कि आप पूरे पेज में ही इसको यूज कर दें, फिर आप क्योंकि आपका पेज लिमिट होता है, आप फिर और अच्छी बातें नहीं बता पाएंगे यदि आपने पेज को ख़त्म कर दिया, इसलिए ऐसी चीज़ों को आप यूज कर सकते हो डायग्राम के थ्रू। तो जहाँ ज़रूरत है वहीं चार्ट पाई डायग्राम टेबल वहीं पर प्रयोग करें। जैसे आपसे पूछा गया कोई संशोधन के बारे में पूछा गया कि कोई संविधान, जैसे आपसे मान लो उपभोक्ता संशोधन, उपभोक्ता अधिनियम में संशोधन, ऐसे को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पहले हमेशा कि 1986 का उपभोक्ता संशोधन अधिनियम क्या था और 2000
20 का क्या था, इन दोनों में से पाई के आधार पर आपको बताना है, अंतर बताना है बस, तब आप टेबल को यूज कर सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हो, टेबल की तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें पाई टेबल डायग्राम इनका यूज करना है, वहीं पर ही आप यूज करें। अन्यथा अगर किसी क्वेश्चन में इनका प्रयोग नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये सत्य है कि इनसे बचो, क्योंकि आपका उद्देश्य होता है कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में उसको उसके उत्तर में प्रस्तुत करना, और ऐसे तरीके से प्रस्तुत करना है कि जिस जो क्वेश्चन की मांग है उसी में। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन की डिमांड यानी इसकी मांग एवं सप्लाई यानी इसकी कितनी पूर्ति कर, इनमें आपको अनुपात रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन में वाला क्वेश्चन के कई पार्ट होते हैं, मान लें 3-4 क्वेश्चन के, कोई एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन के जितने पार्ट है उसमें कितनी डिमांड है उतना ही उसको लिखना है, उससे ज़्यादा शब्द उसमें नहीं लिखना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होते हैं, हम ज़्यादातर चीज़ें एक पार्ट में लिख सकते हैं, इसकी वजह से लिख देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि उस पार्ट का दूसरा तीसरा पार्ट रह जाता है उस क्वेश्चन का, और हम उसका आंसर नहीं दे पाते, इसकी वजह से भी हमें नंबर नहीं मिल पाते। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें क्या होना चाहिए, बहुआयामी, बहुआयामी ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन, जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हो, जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा हेडिंग दे सकते हो, कोशिश करो कि उनको दें, चाहे उन हेडिंगों के भीतर अंदर आपको डिटेल लिखनी है तो उसको छोटी लिख सकते हो, उसको संक्षिप्त कर सकते हो, लेकिन हेडिंग जितना ज़्यादा, जैसे कोई अगर आप लिखना है सोशल फैक्टर लिखना है, सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल पॉलिटिकल एजुकेशनल, ठीक है ना, सोशल क्षेत्र सामाजिक, ये तो नॉर्मल आपको पता है किसी क्वेश्चन में हो सकता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक भौगोलिक जलवायु पर्यावरण तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है ना, इस तरीके से उस क्वेश्चन को कितना ही आपको जितना हो सके उस क्वेश्चन में आपको डायमेंशन हो सके उस क्वेश्चन के उतने डायमेंशन दिए जाएँ, जितना हेडिंग सब हेडिंग आप दे सकें दिए जाएँ, लेकिन वही हेडिंग और सब हेडिंग प्रयोग किए जाए जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है, अनावश्यक चीज़ से बचें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन बहुआयामी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब आप मेन बॉडी को लिखते हैं, अब आपको मैं एक एक पार्ट के आधार पर बता रहा हूँ एक एक पार्ट में आपको क्या लिखना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन के आंसर में आपको हमेशा दो चीज़ों को प्रयोग करना है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। जो आपने कॉन्सेप्ट बोला है उसका आपको जस्टिफिकेशन फैक्ट के थ्रू देना है, और फैक्ट के लिए दोस्तों आपको हर टॉपिक के बारे में जो भी UPSC के चारों पार्टों या सारे सिलेबस का जो पार्ट है उसके हर टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट जरूर याद होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप GS में फैक्टों का यूज करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे, ये फैक्ट ही है जो आपके नंबरों को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। तो दोस्तों फैक्ट एक तो अनावश्यक नहीं दें, जितनी मांग है उसके अकॉर्डिंग ही दें, या जो बात आपने कॉन्सेप्ट में बोली है उसी के अकॉर्डिंग उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए बोलें। मैं इसको समझाऊंगा कैसे आपको दे रहे हैं। तो फैक्ट में आप देख सकते हो, इसलिए आपको दोस्तों हर उसकी रिपोर्ट पढ़नी है, रिपोर्ट, कोई अगर इंडेक्स आई है तो इंडेक्स, अगर कोई आप केस स्टडी आप पढ़ रहे हो केस स्टडी पढ़ो, कोई एग्जाम्पल है ना, कोई एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट, ठीक है ना, इन चीज़ों को आप क्या करो फैक्ट के रूप में कलेक्ट करो, इसलिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वो होने चाहिए। तो क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होनेगा। यदि आपने जो भी बात बोली क्वेश्चन में फैक्ट दिए तो वो क्वेश्चन आपका फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसी बाउंड्री, जब आपकी कॉपी ऐसी रहेगी UPSC में या पिछली, तो ऐसी बाउंड्री में आपको बिल्कुल आंसर नहीं लिखना है, यहाँ आप पे पेनल्टी लग जाती है यदि आपने क्वेश्चन के आंसर को इस एंट्री में किया। आपको आंसर हमेशा इसके अंदर ही लिखना है, बस इससे बाहर नहीं लिखना। अब एक बेस्ट आंसर लिखते टाइम उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो तीन पार्ट मैंने बताया इंट्रोडक्शन। अगर दोस्तों इंट्रोडक्शन देखो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन कॉमनली है कि इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ अगर कोई रिपोर्ट है, अगर कोई आपके पास इंडेक्स है, या उस क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कीवर्ड हैं उनके, उनसे आप उस क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं शुरुआत कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उससे जुड़ी हुई कोई बात का संक्षिप्त में आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन, जैसे इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक के क्वेश्चन में आप ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेन बॉडी में क्या होता है ध्यान रखना, मेन बॉडी है उसमें आपको दोस्तों देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके सारे पार्टों को एक्सप्लेन करना है। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन में आप जस्ट छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ कि कैग
कैग के बारे में पढ़ाओ, कैग की संवैधानिक स्थिति को बताते हुए इसके महत्व को बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैग को लेकर क्वेश्चन आ गया मान लें। अब इसका आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है दोस्तों, जैसे मान लें मैं इंट्रोडक्शन में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में मैं कैग के बारे में संक्षिप्त में लिखूंगा कि कैग आखिरकार है क्या, कैग क्या है। तो क्या लिखूंगा, नॉर्मल कैग के बारे में लिखूंगा कि भारतीय देखो कैग एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों है संवैधानिक संस्था। अब संवैधानिक संस्था के लिए आपको एक अनुच्छेद 148 लिखना है, इतना सा। देखो अब मैंने कॉन्सेप्ट लिखा संवैधानिक संस्था, कोई भी कीवर्ड यूज किया, उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए मैंने 148 अनुच्छेद लिख दिया, क्योंकि 148 अनुच्छेद में कैग का वर्णन किया गया। कैग एक संवैधानिक संस्था है जो जो वित्तीय, अब देखो वित्तीय जवाबदेहिता एवं लोक धन का प्रभावी निगरानी एवं वॉचडॉग मतलब दृष्टि रखता है, ठीक है। तो वित्तीय जवाबदेहिता, देखो एक तो कैग का मुख्य काम होता है वित्तीय जवाबदेहिता, यानी कि सरकार द्वारा जो खर्च किया गया है उसके प्रति सरकार को जो संसद के प्रति जवाब देता है उसमें कैग आपको पता है सपोर्ट करता है, और दूसरा जो जनता का फंड है वो फंड इफेक्टिव यूज हुआ या नहीं हुआ इसका भी कैग ध्यान रखता है। इतना संक्षिप्त में इसके लिए ही इस लोकतांत्रिक संस्था का हमने स्थापित किया, इतने संक्षिप्त में कुछ कीवर्ड के साथ यदि आपने इंट्रोडक्शन दिया तो आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होगा। तो जब भी कोई संस्था के बात पर आए, क्योंकि ध्यान रखना GS2 के किसी भी क्वेश्चन को यदि आप बता रहे हैं तो पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, वहाँ भारतीय डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, तो उसको भारतीय डेमोक्रेसी से जोड़ के उत्तर लिखो, तब जाके आपका उत्तर बहुत बेस्ट। कई बार आपका उत्तर तुलनात्मक, इंट्रोडक्शन तुलनात्मक भी हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आया है आपका संविधानिक, जैसे किसी संविधान संशोधन को लेकर आया है, तो आप जैसे उपभोक्ता संशोधन की बात करें तो 1986 का संशोधन अनेक अलग परिस्थितियों में था, जबकि वर्तमान में डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के दौर में है ना, डिजिटल इकोनॉमी ई कॉमर्स और ग्लोबलाइजेशन के दौर में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उसके शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए हम 2020 का ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। तो ऐसे करके आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का शुरुआत करना है। तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन से इतना सा किया है कि कैग के बारे में जस्ट बेसिक सी चीज़ें लिखनी, कि कैग एक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है, और इसका जस्टिफिकेशन 148 में दिया है। इसके बाद मुझे अगर इसकी बॉडी में जाना है, इसी क्वेश्चन की बॉडी बता रहा हूं मैं, तो इसमें मुझे बताना है कि कैग की संवैधानिक स्थिति, तो इसमें हम आर्टिकल 148, 149, 150 और 151, इन चार आर्टिकलों के बीच में आपको जो इन्फॉर्मेशन है छोटा छोटा आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है कैग की संरचना, संरचना आपको संरचना बताना है, कैग की नियुक्ति अपॉइंट कैसे होता है संक्षिप्त में। ये देखो ये आपका क्वेश्चन के हेडिंग हो गई, ये आपकी संरचना हेडिंग होगी। इसके बाद कार्य, इसके बाद इसकी उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ आप दे सकते हो 2G स्पेक्ट्रम का, कोयला घोटाले का, उजागर किसने किया, कैग ने। इसके बाद संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं इसकी सीमाएँ, और फिर कंक्लूजन आपको लिखना होगा, और कंक्लूजन में आप करते हो सजेशन, बस इतनी। ये आपकी हेडिंग सब हेडिंग होगी, ऐसे लिखो इनके अंदर, फिर आप छोटे छोटे लिखो। जितना ज़्यादा आप डायमेंशन दे पाएंगे आपका उत्तर उतना ही महत्वपूर्ण बनेगा। लेकिन जैसे आप उपलब्धि बोल रहे हो तो उपलब्धि जो बता रहे हो उनका आपको एग्जाम्पल देना है, उनके फैक्ट देने, जो आप कार्य बता रहे हो उनके भी आपको फैक्ट देने, जो स्ट्रक्चर बता रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये आर्टिकल के बीच में आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो इस तरीके से जब इतने फैक्ट और कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे तब जाकर के आपको क्या करना है कि आपका उत्तर बहुत बेस्ट होगा। और कंक्लूजन लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में, अगर हम बात करें लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाएं सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, जैसे कैग है, UPSC है, या इलेक्शन कमीशन है, या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी का है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों को, या हम कह सकते हैं संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखने हैं। संवैधानिक मूल्य यानी कि जवाबदेहिता, लोगों की स्वतंत्रता,
समानता। तो ये मैंने जस्ट एक आपको बताया कि इस तरीके से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग आपको हमेशा ऐसे हो। हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखना है तो उसका भी इसी तरीके से फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आपको जब बात बोलने वाले हो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही इंप्रूव हो जाए और बहुत चीज़ें आपको मिल जाएँ। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। ये जेन्युइनली जो चीज़ें डेवलप की है, सीखी है मैंने, उसको आपको साथ शेयर कर रहा हूं। और यदि इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को प्रेजेंट किया, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अच्छे आ सकते नहीं, आएंगे, बशर्ते आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और इसके लिए चाहिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। इनका आंसर राइटिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर के आपके मन में बहुत अच्छे से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे। आप खुद ही सीख जाएंगे कि कौन सा आंसर आपको बेस्ट होने लगेगा। जब आप बार बार क्या करेंगे, बस दोस्तों बार बार आप यदि किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर लिखेंगे, कई बार क्या होता है कि आप पहली दूसरी बार आंसर लिखेंगे ऐसा मत सोचना कि दोस्तों बेस्ट लिख पाएंगे। शुरू में आप समझेंगे, सीखेंगे, है ना, और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि इसमें एक टाइम लगता है। आप डेली आंसर राइटिंग करो, डेली एक क्वेश्चन तो लिखो, चाहे जितना आता है जिस तरीके से आता है उसको लिखो, और फिर खुद ही उसको एक दो बार पढ़ो और सोचो कि क्वेश्चन ने जो चीज़ें मांग करी है क्या मैंने उसके अकॉर्डिंग उतना लिखा या नहीं लिखा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखें तो उसमें इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। मेन बॉडी में आपको उस क्वेश्चन के पूरे पार्ट लिखने, और कंक्लूजन आपका बहुत ही सजेस्टिव होना चाहिए, बहुत ही प्रोएक्टिव होना चाहिए, और उसमें नेगेटिव चीज़ें आपसे बचना चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट, फैक्ट, डायग्राम, इनकी जहाँ ज़रूरत है वहीं यूज करें और वहीं से आपको इसको करें। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए उसको डिस्कशन करता हूँ। छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसको समझना होगा कि उसको किस तरीके से लिखना है हमको। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान। यदि आप लोगों ने मेरा पॉलिटी का जो वीडियो है, पहला फर्स्ट वीडियो यदि आपने देखा है, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये किसी टेस्ट सीरीज में था तो वहीं से मैंने इसको लिया है। हो सकता है कि क्वेश्चन किसी, ये सकता है कि इस क्वेश्चन की दूसरी भाषा में यूपीएससी या पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को समझ के आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। देखो, यदि आपको समझना है सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान न केवल शासन संचालन का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का द्योतक है। व्याख्या करें, व्याख्या मतलब है समझाओ, एक्सप्लेन करो एक पॉइंट को। तो इसमें आपको तीन कीवर्ड सबसे पहले पकड़ना है जब भी उत्तर देना है, तो तीन, एक तो शासन संचालन, एक सामाजिक न्याय और एक सामाजिक क्रांति, यानी कि तीनों का है। भारतीय संविधान शासन संचालन का भी द्योतक है, सामाजिक न्याय का भी द्योतक है, और सामाजिक क्रांति का भी द्योतक है। अर्थात भारतीय संविधान है वो शासन संचालन के लिए भी जरूरी है, वो सामाजिक न्याय भी करता है और सामाजिक क्रांति भी करता है। ये आपको विद द फैक्ट को आपको बताना है, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन की, देखो क्वेश्चन आप समझ होंगे तीन पार्ट, और भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान का मतलब हम कह सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी भी है, ठीक है ना। तो इसको लेकर ये क्वेश्चन यहां पूछा है, तो आपको इसको किस तरीके से करना है। तो इंट्रो की अगर मैं बात करूं, तो देखो भारतीय संविधान के बारे में लिखा है, तो देखो लिखना है कि अब देखो मैं क्या, मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी कि भारतीय संविधान न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की, अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब मौलिक अधिकार हो गए। यदि आप जब पेड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मौलिक अधिकार किस तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की सर्वोच्चता, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को सर्वोच्च करते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि, क्योंकि दुनिया के जितने भी संविधान हैं मोस्टली राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वो शासन संचालन की स्थापना करते हैं, वो व्यक्ति के अधिकारों की स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करता है। और ये काम कौन करता है, देखो ध्यान रखना, जो बात आप बोलते जा रहे हो उसका फैक्ट आपको जरूर लिखना है। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब मौलिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र मतलब DPSP, ठीक है, इनको स्थापित करता है ताकि अब देखो बहुत अच्छे से, ताकि भारतीय नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की स्थापना हो सके, क्योंकि हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन। और चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अनुच्छेद 21। दोस्तों बेसिक सा सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लिख सकना है। इतना सा आपको क्या देना है, इसका इंट्रोडक्शन देना है, और इसमें जितने भी कीवर्ड आया, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, इनको हाईलाइट करके आना, बस
इतना सा काम करना है, इनको हाईलाइट, जैसे कीवर्ड यूज किए इनको हाईलाइट करके आना, बस आपका आंसर बहुत बेस्ट हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन ने डिमांड करी कि भारतीय शासन संविधान, देखो इसमें शासन संचालन के लिए राजनीतिक लोकतंत्र शब्द आ गया, सामाजिक न्याय के लिए इसमें क्या आ गया, सामाजिक न्याय के लिए इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आ गया। तो मैंने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको बता दिया, किसके माध्यम से, कीवर्ड के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा अब इस क्वेश्चन के मेन पार्ट के बाद अब हम बॉडी पे जाते हैं। अब बॉडी कैसे, एक तो बॉडी का पार्ट है शासन संचालन के रूप में, दूसरा है सामाजिक न्याय के रूप में, और तीसरा है सामाजिक क्रांति के रूप में। ये तीन पार्टों में आपको मेन बॉडी को लिखना है और फिर लिखना है आपको निष्कर्ष, इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। तो जैसे अगर मैंने इसमें लिखा है तो देखो ये क्या है, मैंने पैराग्राफ बाय लिखा है, तो लिखा है कि प्रत्येक संविधान यानी हर देश का संविधान वह शासन संचालन का आधार है। जैसे भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन किया है और लोकतांत्रिक संस्थाएं, भारत में उत्तरदायी शासन की बात की गई है और भारत में सीमित एवं संविधान का शासन। अब सीमित और संविधान का शासन मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च है, बल्कि वो सर्वोच्च है ना कि कोई संस्था। तो भारत का सबसे बड़ी अथॉरिटी और संविधान, तो मैंने इसमें शासन के लिए बता दिया कि भारत का जो संविधान है यानी प्रत्येक देश का संविधान है वो शासन संचालन का आधार है। जैसे भारत में लोकतांत्रिक संस्था बनाई गई ताकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो और ये शासन संचालन कर सके, ठीक है ना, तो इसलिए संस्थाएं बनी। इसी प्रकार लोकतांत्रिक, ताकि अब ये संस्थाएं क्यों बनाई, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को अचीव कर सकें, और लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनके लिए हमने शासन, तो कोई भी संविधान शासन संचालन के लिए बनाए और उसके लिए संस्थाएं होनी चाहिए, वो संस्थाएं बनाई हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो मैंने इसमें ये शासन संचालन वाले पॉइंट को लिख दिया। अगला है सामाजिक न्याय। तो यदि मैं सामाजिक न्याय की, अब देखो मैं बीच में एक पैराग्राफ देके लिख सकते हैं कि ये इसलिए भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का नहीं बल्कि न्याय और सामाजिक क्रांति की स्थापना करता है, जो इस प्रकार है। एक पॉइंट मैंने शासन संचालन को लेकर बता दिया, अब दूसरे पैराग्राफ पे पहुंचने के लिए मुझे कुछ कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, और कनेक्टिविटी के लिए मैंने क्वेश्चन की डिमांड को देखा, और क्वेश्चन की डिमांड करिए कि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का नहीं, क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन, सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति की बात करता है। अब देखो सामाजिक न्याय मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है ना। अब मुझे बताना है पहले तो बताना है सामाजिक न्याय का मतलब उचित वितरण, वस्तुओं का उचित वितरण, ये होता है ये मैंने हेडिंग बताया। अब मुझे बताना है कि कैसे, तो अब कैसे के लिए मुझे देना है एग्जांपल, जैसे आरक्षण की व्यवस्था कितने में, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, ये अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना, जिसने समाज बंद से विशेष सुविधा दी जाए, निःशुल्क न्यायिक सहायता, नालसा की बात कर दी। अब देखो ये फैक्ट भी हो गए और कॉन्सेप्ट हो गए। इसी प्रकार आर्थिक विकेंद्रीकरण कैसे होगा, अनुच्छेद 39 की बात करें, और इसके अलावा राज्य का जनकल्याणकारी होना, क्योंकि भारतीय राज्य जनकल्याणकारी, और जनकल्याण राज्य का मतलब है कि भारतीय राज्य गरीब और वंचित वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है। जैसे आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, सर्वोदय योजना, मिड डे मील योजनाएं, तो दो तीन योजनाओं के आप नाम लिख सकते हैं कि भारतीय संघ क्या करता है, जनकल्याणकारी कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें क्यों करता है, ये समाज के जो वंचित वर्ग हैं, समाज के जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी अर्थात उनके साथ सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए क्या करता है, भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है। दुनिया का कोई भी संविधान इस तरीके के प्रावधान नहीं करता जिस तरीके के भारतीय संविधान प्रावधान करता है। इसीलिए दुनिया के सारे संविधान शासन संचालन के लिए काम आते हैं, लेकिन वो सामाजिक और सामाजिक क्रांति में बदलाव नहीं करते जो भारतीय संविधान करता है। और दोस्तों अब भारतीय संविधान के एस्पेक्ट को देखो, अब सामाजिक क्रांति कैसे, देखो सामाजिक क्रांति का मतलब है, क्रांति मतलब परिवर्तन। अब दोस्तों आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स भी क्रांति की बात करता है, लेकिन वो क्रांति, उसकी क्रांति थी आक्रमक, वो हिंसक गतिविधि के माध्यम से वो पूंजीपतियों के पतन करके समाज में परिवर्तन करना चाहता था। दूसरी क्रांति की बात अगर हम करते हैं, जैसे नक्सलवादी होते हैं, बात तो ये भी क्रांतिकारी की करते हैं, ये भी समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन इनका साधन अलग है, इनका साधन क्या है, हिंसा। परंतु भारतीय संविधान ने बोला कि हमें समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हमें समाज में हम परिवर्तन कर सकते हैं किसके माध्यम से, संवैधानिक साधनों के माध्यम से, कोई हमें हथियार, कोई हमें हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम संवैधानिक जो साधन है उनके माध्यम से समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। और कैसे किया है,
पहले हमारा समाज पदसोपानिक यानी कि जातिगत भेदभाव था, अस्पृश्यता है, महिला युक्त, ये हमारा समाज था, जिसको बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और ये एक्टों के माध्यम से और महिलाओं को आरक्षण दे करके और महिलाओं के लिए अधिकार ला करके हमने क्या किया, इनको परिवर्तित किया है। तो मैंने क्या किया, परिवर्तन करना है तो कैसे करना है, ये फैक्ट हो गया और इसके साथ मैंने एग्जाम्पल लिखे। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है दोस्तों। इसी प्रकार अशिक्षित और पिछड़े समाज को शिक्षित करने, भाई जो समाज पहले अशिक्षित था, पिछड़े था, उसको शिक्षित करने के लिए हमने RTE एक्ट लेके आए, सर्व शिक्षा अभियान लेके आए। तो ये क्या है, परिवर्तन ही रहे। किस तरीके से, संविधान के माध्यम से। किस तरीके से, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, यानी कि समाज में परिवर्तन हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से किया है। इसलिए ये कौन करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक शासन, सॉरी सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का भी द्योतक है। अब लास्ट में मैं इसके कंक्लूजन लिख दूंगा, अतः भारतीय संविधान का एक दर्शन है। देखो भारतीय संविधान एक फिलॉसफी है, एक बड़ा विचार है, और उस विचार का आइडिया क्या था कि भारत में हर व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाना है, और उसके लिए आपको समाज, क्योंकि हमारा समाज पहले अलग स्थिति में था तो उसको बदलना जरूरी है, ठीक है। हमारे समाज वंचित लोग थे, उनके लिए न्याय दिलाना भी जरूरी है, और इन्हीं चीज़ों के लिए भारतीय संविधान में समाज विकसित करने के लिए, समतामूलक करने के लिए भारतीय संविधान को बनाया गया है। और भारतीय संविधान दुनिया का ऐसा संविधान है जिसमें सारी विचारधाराओं को, सारी विचारधारा के मूल्यों को शामिल किया गया है। जबकि यदि आप बात करेंगे अमेरिका, अमेरिका का संविधान उदारवादी है, रशिया का संविधान साम्यवादी है, जबकि भारतीय संविधान में उदारवाद भी है, कुछ पक्ष साम्यवाद के भी है, कुछ पक्ष समाजवाद के भी है। जो संविधान के अकॉर्डिंग अच्छे हैं उन्हें हमने स्वीकार किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को आपको शेयर भी कर दूंगा जो लिखा है इस PDF को, तो आप एक बार देख के अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखा जाता है। तो एक दिन में मैं एक क्वेश्चन आपको कोशिश करूंगा कि सॉल्व करो ताकि आप समझें, और जब भी टाइम मिलेगा मैं एक क्वेश्चन आपके साथ जरूर लेके आऊँगा हर सब्जेक्ट का। आज ये GS 2 के अंतर्गत पॉलिटी का था, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक फ्रेमवर्क के बताया है कि किस तरीके से आपको बेस्ट आंसर लिखने। लेकिन दोस्तों ये सारी सोच, ये समझ जब आप पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, कोई नया बंदा अगर देख रहा है तो हो सकता है उसके समझ में बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास डेटा उपलब्ध होंगे, आप किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, तब जाके उसका आंसर लिख पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। दोस्तों किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आप थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन का फ्रेम ऐसे करना है, ये करूँ तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से करूँ तो और अच्छा रहेगा, तो उस तरीके से उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है ताकि आप अच्छी तरीके से उसके प्रेजेंट कर सकें। लेकिन एक चीज़ आ रहा है, क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंग सारे पहलुओं को दिखाना है, जितना मांगा गया उतना ही देना है, उससे ज़्यादा ज्ञान वहाँ बिल्कुल नहीं देना है। जिन जिन जगह चार्ट, डाई मैप, चार्ट, पाई, मैपिंग, टेबल, फैक्ट, इनका यूज हो सकता है वहाँ यूज करें, सब हेडिंग उनका यूज करें, जहाँ कीवर्ड आपने पॉइंट आउट किया है वहाँ उनको हाईलाइटेड करें। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन लिखें। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से इसका आंसर लिखना चाहिए, कब कब आपको इनका यूज करना चाहिए, और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया भी है लिख के। कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ दोबारा जब भी वीडियो लेके आऊँ एक क्वेश्चन फिर डिस्कशन करेंगे हम, और वो क्वेश्चन होगा आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा, GS 3 से जुड़ा हुआ, तो उसकी आपको कोशिश करेंगे कि उसको आपको शेयर किया जाए। अभी आप इसको अंत तक देखें, और मेरा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली निश्चित रूप से आप इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों हमारा चैनल हिंदी मीडियम की तो ज़रूर हेल्प कर ही रहा है, यदि किसी इंग्लिश मीडियम के बंदे को भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो कमेंट कर सकता है, कोशिश रहेगी उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।